लोकसभा कोसी सत्र में विधानसभा मुआवजा में भरभर करते हुए और युवाओं का जन समर्थन नेतृत्व प्रत्याशी पहुँच चुका मित्रों प्रणाम। आज देखिए हम लोग लोकसभा घोषित सत्र में हैं, चुनावी प्रचार के दौरान है और बड़े भाई पवन चौहान जी के लिए और बहुत सारा समर्थक है। तो मैं चाहता हूं कि आप बताइए भैया, आपका क्या विचार है इस बार 2024 में लोकसभा का चुनाव हो रहा है, आपके भाई और आपके बेटा को किसी ने कुछ भी नहीं समझा है, तो आपका विचार क्या है, आप किसको वोट देना चाहते हैं और किस तरह देना चाहते हो, कौन नौजवान है जिसको आप लोग वोट देके इस बार संसद में भेजने का काम करेंगे? हम लोग भैया सिर्फ पवन चौहान को वोट देना चाहते हैं। पवन चौहान लोकसभा घोषित से हम लोग पवन भैया को वोट देंगे। पवन भैया जिंदाबाद। पवन चौहान जिंदाबाद। लोकसभा घोषित है, पवन भैया को वोट दे रहे हैं। भारी बहुमत, एक भी सीट चौहान समाज को नहीं मिली है। चौहान समाज 95% बीजेपी को या 5% 10% सपा को वोट देता है, लेकिन एक भी सीट चौहान समाज को नहीं मिली है। हम लोग पवन भैया को वोट देंगे। चौहान समाज जिंदाबाद।